गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये मेरी सुबह की जो है मॉर्निंग की, आज मैं लेट हो गई थोड़ा उठने में। थोड़ा सा मुझे लगा कि आज कहीं छुट्टी है, आज किसी को कहीं जाना नहीं था तो मुझे लगा छुट्टी है और मैं हो गई कंफ्यूज। सुबह उठी तो ऐसा लगा जैसे छुट्टी है, तो मैं उठी नहीं टाइम से। और फिर थोड़ा उठ के बैठी तो पता चला आज मेरी तो ड्यूटी है, मतलब है ड्यूटी लेकिन सबकी टाइमिंग अलग है। तो मेरा तो मॉर्निंग में चलता है, तो मैं सुबह उठी सबसे पहले, आज मतलब आज नहीं नहा सकी पहले, तो सबसे पहले मैंने आज जो है सब्ज़ी काटा। और सब्ज़ी काट के, क्योंकि फिर लेट हो जाती हूँ, फिर सब्ज़ी आज मैंने सबसे पहले सब्ज़ी रोटी बनाई, मतलब किचन कवर किया, फिर जाके अपना नहाना धोना किया जो कि एक नहीं होना चाहिए। फिर आज मैंने बैंगन और मूली की सब्ज़ी बनाई क्योंकि ये जल्दी भी बन जाएगा, मूली और बैंगन दोनों कट जाएंगे जल्दी। और आलू आजकल पहाड़ी आ रहे हैं तो उसमें मिट्टी रहता है, तो इसलिए उसको नहीं छेड़ा। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी, आलू मूली की ये सब्ज़ी भी अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने वही मिर्ची और राई का तड़का डाला और आलू मूली डाल दिया, थोड़ा सा सारे मसाले डाल के, और थोड़ी देर इसे ड्राई ही, मतलब इसको पहले होने दिया ढककर, उसके बाद इसमें नमक और जो है थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डाली और टमाटर डालकर धीमी आँच पर इसको छोड़ दिया। देन मैं इसी पे, मतलब सब्ज़ी और पराठा और रोटी दोनों बनाना होता है मुझे, तो दोनों चीज़ बनाऊँगी और सब्ज़ी को एक तरफ छोड़ दूँगी, फिर तीनों गैस पे अपना सारा काम करूँगी, तो जल्दी हो जाएगा मेरा टाइम। मेरे पास है मुश्किल से 40 मिनट्स और मुझे इसी में तैयार होना है, नाश्ता भी तैयार करना है और नहाकर स्कूल भी जाना है। मैंने सब्ज़ी को चढ़ा दिया और अब जो है गैस पे मैं तवा भी चढ़ा दूँगी। और देखो ये तीनों गैस मेरे इंगेज हो गए, तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी, रोटी और चाय तीनों चीज़ चढ़ा दी हूँ और ये तीनों जो है धीरे धीरे सब चीज़ होता रहेगा, तो ऐसे ही जल्दी काम हो सकेगा। नहीं तो मॉर्निंग का काम जो है अगर एक एक करके होंगी करूँगी तो नहीं होगा। और इन सभी काम को करके फिर मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद तैयार होके फिर स्कूल भी जाना है, टाइमली निकलना है। और छुट्टी का कंफ्यूजन तब होता है जब आपको तीन चार दिन की अगर लगातार आपको छुट्टी पड़ गई है तो आप जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। जब स्कूल खुलता है तो फिर पता नहीं चलता कि आज छुट्टी है, क्योंकि वो थोड़ी सी आदत और रूटीन जो दोनों चीज़ चेंज हो जाता है। तो मेरा यही हुआ था, 3-4 दिनों से छुट्टी नवरात्र की पड़ी हुई थी, तो बीच में एक दिन गई हूँ, लेकिन मतलब वही होता है थोड़ा सा। तो अब जो है, लेकिन छुट्टी तो अब कंप्लीट हो गया और अब जो है मैं अपना फटाफट काम कर रही हूँ। और इतना जल्दी जल्दी काम किया तो तीनों चीज़ जो है बन के मेरी रेडी हो जाएगी। हाँ, चाय नहीं पी पाऊँगी, तो अगर नहीं पी पाई तो छान के मैं ले जाऊँगी, नहीं तो मैं पी के भी जा सकती हूँ अगर टाइम बचेगा तो। तो मैं यहाँ पे रोटी भी बन गई और सब्ज़ी भी बन गया है और पराठा भी बन गया, रख दूँगी। अपना लंच पैक कर लेंगे, जिसको ले जाना होगा, जिसको लंच करके जाना होगा, नाश्ता लेके जाना होगा कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पे चाय भी अच्छे से बन गई और सब्ज़ी, देखिए ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, कभी ट्राई करना, प्याज मूली और ये बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है खाने में। किसी किसी को मूली पसंद नहीं, मेरे घर में भी किसी को उतना पसंद नहीं, सिर्फ मुझे और मैं हस्बैंड खा लेते हैं। तो अब मैं काम करके और स्कूल के लिए मैं चल पड़ी, अब जो है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है रुकने का। चलिए स्कूल से आके अपने ड्यूटी शुरू की जाए, यही ड्यूटी, पढ़ाना, खाना पीना, बस यही काम है स्कूल से आके। बनाती हूँ रोटी, सब्जी बना के गई थी, पराठे भी बना के गई थी, सब चीज बना के गई थी। सड़ा हुआ सा नहीं, अच्छा सा है। तुम नहीं खाती हो तो क्या, तुम ऐसे भी नहीं खाती हो सड़ा हुआ से।
सबसे सड़ा हुआ सर तुम्हारे लिए मैगी खाली लेज अच्छा है बस। हाँ तो मूली का है तो भाई मूली की सब्जी है, अच्छी सब्जी मूली बैंगन की सब्जी बनाई तो सड़ा हुआ है नहीं, बहुत अच्छा है तो नहीं खाएगी। अब मैं बनाती हूँ अंडे के लिए और आ गया अंडे लेके। ना फोन के इधर जाते फिर जरूरत क्या था फोन का। एक दिन इंसान बिना फोन के चल नहीं सकता, सोच सकती हो। मैं तो चल लेती हूँ, मैं तो कहती हूँ डेली मत दो मेरे को फोन, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहीं एक दिन इंसान बिना फोन के नहीं रह सकता, हम और नहीं रह सकते, पूजा और पापा नहीं रह सकते। फोन आएगा भाई हमारे पास आज फोन नहीं है, सीधी सी बात है। अगर कोई भूल गया ये तो चलो पास में है तो अपना ले लिए। तो यहाँ भी इसमें ठीक है। क्या बोलते हैं पूजा, रोटी बनाओ तुम्हारे लिए, पराठा नहीं ना तुमने रोनी। और फिर दोपहर का ये काम ख़त्म। अब जो है मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ये लोग रोटी ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, पराठा बहुत कम, रेयरली ऐसा बनाती हूँ मैं, नहीं तो रोटी ही बनाती हूँ घी लगा के। तो मैं रोटी बना ली यहाँ पे और अंडे मैंने मंगवा लिए हैं और अंडे बना लूँगी, क्योंकि ये आलू बैंगन का खाएंगे नहीं तो मेरा काम कम्प्लीट। आलू बैंगन तो खाएंगे नहीं तो फिर तो अंडे मंगाए, अंडा भी खाए हुए बहुत दिन हो गया, क्योंकि जब से नवरात्र हुआ उससे पहले से बंद हो गया था तो आज बना रही हूँ। आज मैं अच्छा और फाइनली दोपहर में हम लोग खाने एक साथ बैठ गए। और उसके बाद जो है ये मेरा दोपहर से सुबह से लेके दोपहर तक की ड्यूटी ख़त्म। और आपको ये छोटे छोटे ब्लॉग मैं अपना ज़रूर दिखाती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं। तो आपको ये ब्लॉग मेरी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।